शब्द कभी छंद कभी गीत लिखा मैंने, भाव कभी द्वंद कभी प्रीत लिखा मैंने, पीढ़ियों के बीच कभी डोर बनी मैं, इनकलाब खबर कभी शोर बनी मैं, और कख गगन लिख भाग्य लिखा मैंने, तुलसी के हाथों महाकाव्य लिखा मैंने, आज की पीढ़ी मुझसे दूर जा रही है, कलम अपनी पीड़ा तुम्हें आज सुना रही है, कलम अपनी पीड़ा तुम्हें आज सुना रही है, कलम अपनी पीड़ा तुम्हें आज सुना रही है। कलम का पर्याय, और जो कह सकते हैं हर मायने में सही कलमकार जो हैं हमारे बीच में हैं, और सम्मान प्रक्रिया के बाद मैं चाहूँगा सौरभ जैन सुमन सर आएँ और हम लोगों को काव्य पाठ। बहुत बहुत आभार। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने गाज़ियाबाद में भी काव्य पाठ किया प्रशांत जी ने, और अब मैं उनके संचालन में उनकी काशी में हूँ। आप ये मान करके चलें कि आज का ये कार्यक्रम बड़ा तिलस्मी कार्यक्रम है। मैंने आज तक इतनी तेज़ी के साथ कार्यक्रम डेवलप होते हुए पहली बार देखा है। कल रात तक ये नहीं पता था कि कार्यक्रम होना कहाँ है। दमदार बनारसी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि भैया तुमने डेट तो लिखा रखी है, स्थान तो बताओ। कह रहे बस फाइनल होते ही बताता हूँ। तो ये भी एक तिलिस्म है, और ये काम केवल दमदार ही कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ दमदार को। गुरुजी बैठे हुए हैं सामने, मैं क्या कहूँ, अगर यहाँ पर हम लोग ये कहें कि हम कविता सुनाने आए हैं तो ये उतना ही बड़ा झूठ होगा जितना राहुल जी संसद में बोल देते हैं। मैं आरंभ करता हूँ गुरुजी, अपनी कॉपी जचवाना चाहता हूँ। काशी आया हूँ तो बस एक बहुत मन की बात ये कहना चाहूँगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा। और मैं ये कहूँ कि अगर मैं काशी में यहाँ पर खड़ा हूँ, विश्वनाथ की धरती पर यहाँ पर खड़ा हूँ, तो एक जो बहुत लंबे समय से जो पीड़ा हम लोग सहन कर रहे थे, उस पीड़ा को ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि अब मरहम लगाने का समय आ गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन तक पहुँच जाए। उनका मानना ये है कि बगैर खुदा की इच्छा के, बिना उनकी स्वीकृति के, बिना अल्लाह की खुदा की साक्षी के कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो सौरभ ये चार पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखता है, और मंच का स्नेह आशीर्वाद इन चार पंक्तियों पर विशेष रूप से चाहूँगा। बात पहुँच जाए तो जितने लोग हैं मुझे अपना स्नेह देना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है, कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है, जानता है सत्य शायद इसलिए, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, कि अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। और दो मुक्तक केवल और सुना करके मैं मेरा स्थान लूंगा। जितना बड़ी टीम है और जितने कवि मंच पर हैं उतने ही लगभग सामने बैठे हुए हैं मेरे, मैं उनके सामने अपनी पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे अनुज हैं जिनको हम लोग अपनी एकेडमी से जोड़ करके मुख्य धारा की ओर लेकर के आ रहे हैं। इस मंच पर बहुत सारे स्थापित बड़े नाम बैठे हैं, ये संगम है दोनों के दोनों। मैं अगर ये कहूँ कि ये कार्यक्रम एक ब्रिज है, एक पुल है स्थापित और नवोदितों के बीच में, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस अतुल्य समारोह को ये पंक्तियाँ देना चाहता हूँ, सुनना कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, पिछली गवर्नमेंट के समय में दो बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, आप लोग सब जानते हैं, एक अफजल को और एक कसाब को। रातों रात उनको हत्या की गई, उनकी मारा गया उनको, और अगले दिन ये डिस्पैच होता है न्यूज़ में कि हम लोगों ने आज मृत्युदंड दिया, ऐसा किया वैसा किया। रात रात में गुरुजी फाइल सलटा दी गई और सुबह हमें बताया गया कि आज हो गया काम। तो उस समय के एक मंत्री थे, मुझे कार्यक्रम में मिले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये आप रातों रात मामला क्यों निपटाते हैं, पब्लिक को क्यों नहीं बताया जाता कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मृत्युदंड दिया जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि सौरभ, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को हम लोग मृत्युदंड देंगे, तो लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, हमारा विरोध करेंगे, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार का किसी भी तरीके का कोई विरोध हो। तब विश्वास मानना, अंतर्मन उद्वेलित हुआ था और एक आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार यहां दहाड़े तो दिल बाहर वालों के कांपने लगे। वो हम लोगों का सपना आज पूरा होते हुए दिखता है। तब पंक्तियां देता हूं, मंच का समय मांगता हूं, पंक्ति देता हूं, सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। कि किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। मैं समझता हूँ कि अन्यत्र कवियों को भी यहाँ पर पढ़ना है और श्रोता रहते रहते ये कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए मैं पूरा होता हूँ। मैं अगले कवि की ओर चलता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे संचालक महोदय को कि आएँ और वो क्रम को आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काशी।